रायपुर के सिलतरा के पास सारडा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक फैक्ट्री पहुंचे और सभी घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर देर रात तक धरने में बैठे रहे। दरअसल देर शाम सारडा एनर्जी लिमिटेड के सिलतरा के पास फर्टिलाइज यूनिट के वैक्यूम ब्रेकर में चिंगारी उठता देख काम कर रहे मजदूरों ने इसकी जानकारी फैक्ट्री प्रबंधन को दी, जिसके बाद मौके पर कंपनी के एजीएम अमित मिश्रा अपने डिप्टी मैनेजर समेत एक इंजीनियर और एक मजदूर के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं जांच के दौरान वैक्यूम ब्रेकर धमाके के साथ बाहर आ गया, जिसमें मौके पर काम कर रहे एजीएम डिप्टी मैनेजर और इंजीनियर और एक मजदूर जो है उनकी चपेट में आ गया। देखा जाएगा कि उसका रूट कॉज क्या है। उस समय जो ब्रेकर है वो बाहर आ गया, बाहर आने से उसमें 4 आदमी आहत हुए, जिसमें 2 लोगों को थोड़ा बहुत हल्का बर्न है और जो 2 लोग हैं उसको थोड़ा सा फ्रैक्चर्स है। जी, एक ही मांग है कि जो भी हादसा के शिकार हुए हैं उनको अभी तत्काल में 2-2 लाख रुपये मुआवजा दे दें, ताकि उनके परिवार को राहत मिले। आने जाने में जो तकलीफ होती है, नहीं मानते हैं तो हमारी उग्र आंदोलन रहेगी, जनता जो चाहेगी उसी के हिसाब से करेंगे।